हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैनन 200D जब आप यूज़ करते हो उसके साथ वाईफाई की मदद से आप अपने फोटोज एंड वीडियोस को कैसे अपने मोबाइल पे ट्रांसफर करोगे, वो भी वाईफाई की मदद से कैसे सेटिंग वगैरह आप करोगे उसके ऊपर वीडियो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एक बटन है वाईफाई का, जिसको आपको टच करना है, उससे क्लिक करना है। उससे पहले आपको जो है यहाँ पर मेनू बटन पे जाना है। मेनू बटन पे जाते ही आपको यहाँ पर ऐसे एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर है फंक्शन सेटिंग, और यहाँ पर देखो वाईफाई का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। ओके करते ही गाइस यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन सेटिंग मुझे यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाते वाईफाई सेटिंग देखिए एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पर वाईफाई सेटिंग पे आपको जाके क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही वाईफाई डिजेबल है, इसको हम इनेबल करेंगे। इसको डिजेबल को हम लोग इनेबल कर दिए, और फिर मुझे यहाँ पर जाके इसको सेट करना होगा। सेट करते देखिए दोस्तों, आप अगर पहले से इसको रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको निक नेम के लिए वो लोग पूछेंगे, तो आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं, जो ज़्यादा नहीं सिर्फ 8 कैरेक्टर के अंदर आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको तो नाम डाल के मैंने ओके कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। ओके करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों वाईफाई इनेबल हो चुका है। अभी मैं इसको कैसे ओके करूँगा, तो अभी यहाँ पर देखो वाईफाई ऑप्शन है, मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसफर इमेज बिटवीन कैमराज, मैं कैमराज टू कैमरा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, या फिर मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, प्रिंटर पे, या फिर गाइस यहाँ पर देखिए कनेक्ट स्मार्टफोन रिमोट कंट्रोल, यहाँ पर देखिए यूटिलिटी, इसके मदद से आप कंप्यूटर में कर सकते हैं वाईफाई प्रिंटर, और यहाँ पर वेब सर्विस अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्मार्टफोन पे चला जाऊंगा और स्मार्टफोन पे जाके मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते रजिस्टर्ड अ डिवाइस फॉर कनेक्शन, मुझे यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाते है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा iOS एंड्रॉयड एंड डू नॉट डिस्प्ले, तो मुझे जाना है डू नॉट डिस्प्ले पे। यहाँ पर देखिए सर्चिंग हो रहा है, यहाँ पर देखिए मुझे मिल गया एक SSID और यहाँ पर एक पासवर्ड। अब मुझे अपने मोबाइल को ओपन करना होगा, कैमरे को ऐसे छोड़ देना है, इसके साथ और कोई काम नहीं है। कैमरे को आपको ऐसे रखना होगा और उसके बाद आपको अपने मोबाइल पर आना है। फिर आपको गाइस अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेना होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ कि कैमरा कंट्रोल। तो उसका आप डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाके आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है कैनन 200D, आप लिख दीजिए। यहाँ पर देख कैनन कैमरा कनेक्ट ऐसा एक ऐप आ जाएगा, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते ही गाइस आपको ऐसे एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, लाइसेंस एग्रीमेंट, आप उसको एग्री कर दीजिए। एग्री करते ही गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक नया इंटरफेस जहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए सबको अलाउ करना होगा। इस सारे चीज़ का अलाउ कर दीजिए, इसको स्वाइप करके कनेक्ट टू कैमरा पर जाना होगा आपको। यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले आपको जो करना है, आपको वाईफाई ओपन कर लेना है अपने फ़ोन से। तो मैं यहाँ पर वाईफाई ओपन कर चुका हूँ। वाईफाई ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा जो कैनन का वो आ चुका है। यहाँ पर मुझे पासवर्ड देना है, पासवर्ड मुझे कहाँ मिलेगा, वही कैमरे कैनन पे मुझे मेरा पासवर्ड दिखा रहा है। तो मैं वहाँ पर जा देख देख के अपना पासवर्ड जो है यहाँ पर डाल दूँगा। इसको डालते ही गाइस इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करते ही देखो एक ऑप्शन आ चुका है कैमरा पे, तो मुझे कैमरा पे जाके यहाँ पर ओके करना होगा। यहाँ पर देखिए मेरा कैनन कैमरा हो चुका है कनेक्ट, और फिर गाइस मैं डायरेक्टली चला जाऊँगा उस ऐप पे, मतलब वाईफाई पे कनेक्ट करने के बाद मुझे ऐप ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखो ओपन करते ही यहाँ पर देखिए इजी कनेक्ट, यहाँ पर देखिए कैनन 200D आ रहा है, निक नेम प्रिंस, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। देखिए कैनन भी कनेक्ट हो चुका है, ऊपर देखिए मेरा नाम आ रहा है। अभी मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इमेज ऑन कैमरा पे टच करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मेरा जितने सारे इमेज मैंने क्लिक किया था वो सब मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट वहाँ पर टच करूँगा, और गाइस यहाँ पर देखिए डाउनलोड वाला बटन है, मैं यहाँ पर डाउनलोड पर अगर टच करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा डाउनलोड। आप यहाँ पर देख सकते सेविंग इमेज, इमेज जो है सेव हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड आपको नया जानकारी मिला, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, तो मैं बेल वीडियो के साथ मेरे प्रिंस रात देख रहे थे यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान।